तो यहाँ से आप सभी लंबी कतार देख सकते हैं मंदिर। सर यहाँ अभी कितने पब्लिक आए होंगे, पहुंचे होंगे आज यहाँ पर श्रद्धालु? दाई ये चरण कुंड के बारे में थोड़ा बता। बाबा जी के गंगा मैया यहाँ चरण। अच्छा, ये भुया नापत कहाँ से आता है? मेन गेट से। मेन गेट से। जय जोहार दोस्तों। दोस्तों गुरु घासीदास जयंती के शुभ अवसर पर आज अपन लोग आप सभी को लेके आ चुके हैं गिरौदपुरी धाम। तो आज यहाँ पे लोगों की अपार भीड़ है, लाखों की संख्या में जो लोग हैं इस पावन धाम पे पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। चारों तरफ एक दफा दिखा देना सर, पीछे भी दिखा दो कैमरा। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इस प्रकार से लोगों का आवागमन है। चलिए आप सभी को यहाँ का संपूर्ण माहौल दिखाते हैं। चारों तरफ दुकानें लगी हुई है, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, मंदिर घूम रहे हैं, जैत खाम देख रहे हैं, छाता पहाड़ की ओर जा रहे हैं और अनोखा माहौल है दोस्तों। आज बाबा जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे इस प्रकार से मेला लगा हुआ है। देखिए चारों तरफ आप सभी लोग जो है वो भुया नापते हुए जा रहे हैं। जो देखिए यहाँ भी, यहाँ पे देख सकते हैं भुया नापते हुए जा रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सामने में भुया नापते हुए जा रहे हैं। पकड़ना एक दफा तो देख कैमरा चालू। और भैया कहाँ से आता आप मन? ग्राम पंचायत नरदहा। अच्छा, ये भुया नापत कहाँ से आता है? मेन गेट से। मेन गेट से। कितना समय से मिले रहा? तकरीबन 12 बजे तक। तो दोस्तों देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो भी यहाँ गिरौदपुरी धाम में लगातार ड्यूटी निभा रही है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, यहाँ अभी कितने पब्लिक आए होंगे, पहुंचे होंगे आज यहाँ पर? श्रद्धालु लगभग 10 से 12 हजार पहुंचे हैं। अच्छा, और आप लोग कब से ड्यूटी निभा रहे हो यहाँ? यहाँ सुबह 7 बजे से। 7 बजे से। अच्छा, और कब तक रहेगी आपकी ड्यूटी? जब तक भीड़ खत्म ना हो जाए तब तक। शाम रात तक? शाम रात तक। अच्छा, तो अभी यहाँ कुछ 3 दिनों तक मेला लगा हुआ है क्या सर? वैसा तो नहीं, हम लोग का एक ही दिन का है। अच्छा, हाँ ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं श्रद्धालुगण जो है बहुत ही भारी भरकम संख्या में यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अभी अपन लोग पहुंचते हैं मंदिर परिसर के अंदर और अंदर का माहौल आप सभी को दिखाते हैं। 12 बजे से, दोपहर के 12 बजे से। अभी 1:10 हो गए। तो कैसे कुछ मन्नत वन्नत लेके आते थे? नहीं, ऐसी शौक से नापा था। अच्छा, पहली बार है? नहीं, दूसरा बार है। दूसरा बार है। इखर पहली कब नापेगा? तो बहुत पहले, 8-10 साल पहले। अच्छा, तो दोनों को अभी भीड़े हैं। दीदी आप मन बतावा कैसा महसूस होते? ठीक महसूस होते। अच्छा, थकान लगा थे? नहीं लगा। नहीं लगा थे। तो अभी बीच में रुके रहे या लगातार जाते? लगातार। अच्छा, तो कुछ खाए पिए हैं? उपास। उपास है। अच्छा ठीक है, मंदिर तक जाना है ना? ठीक है। और दीदी कहाँ से आता चापमन? पहला गेट। अच्छा, तो कौन में ले आता? भुया नापत गेट, पहला मैं गेट। पहला गेट में। यहाँ तक पहुँचे में कितना समय लगी चापमन में? अब पता नहीं कितना समय लगा। अब बोले कितना समय ले भीड़े हैं? टाइम नहीं देखे भैया। अच्छा, वहाँ से मैं अकेला नापते जाता। अच्छा, तो लगातार करा था या रुक रुक के? लगातार करा चाहता। कुछ मन्नत लेके आए यहाँ? नहीं, माफिया करके यह कार्य रहे, इसलिए ना पाता। अच्छा, रखे रहा। दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से। अच्छा, एकर पहले आओ कभी नापे रहा? नहीं नापे, पहली बार। पहली बार। कैसा लगा थे? अच्छा लगा। नहीं लगा थे? बिना नहीं खाए पिए हैं। कुछ खाए पिए नहीं है? खूब सारी दुकानें लगी हुई है और ये है बच्चों का मनोरंजन वाला जगह, देख लीजिए।
तो यहाँ अंदर में आप सभी लोगों की अपार भीड़ देख ही सकते हैं। लोग जो है बड़े दूर दूर से यहाँ पहुंच रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे फोटो खिंचा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और ऊपर में शायद अभी जाना बंद कर दिया गया है इससे आज, क्योंकि आज ज्यादा ही भीड़ है ना, इसलिए आइए अपन लोग भी करीब जा करके देखते हैं। ले आ दोस्त, तो यहाँ पे आप सभी देख लीजिए, एक नंबर है। तो यहाँ से आप सभी लंबी कतार देख सकते हैं मंदिर परिसर के बाहर दोस्तों, काफी लंबी लाइनें हैं। लोग जो है वो बड़ी दूर दूर से यहाँ पे पहुंच रहे हैं, मंदिर में एंट्री ले रहे हैं। नीचे में देखिए भुइयां नापते हुए। इस प्रकार से है माहौल, ये देखिए यहाँ पे। तो ये मार्ग अपन को लेके जा रही है चरण कुंड की ओर। और दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं काफी ज्यादा संख्या में जो पब्लिक है वो पहुंच रहे हैं, और कई लोग आ रहे हैं तो कई लोग जा रहे हैं। पूरा माहौल है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे है दोस्तों चरण कुंड। तो सबसे पहले अपन लोग चलते हैं चरण कुंड। तो सामने में आप जो कुंड देख रहे हैं ये है चरण कुंड, ये देख लीजिए। देखिए पानी को भर भर के ले जाएंगे, खाली बोतल लेके आते हैं और पानी को भर के ले जा रहे हैं। दाई ये चरण कुंड के बारे में थोड़ा बता। बाबा जी के गंगा मैया हाँ चरण पखारे है, जब तपोभूमि लईस ना तब बाबा जी के गंगा मैया हाँ चरण पखाने है। अच्छा। हाँ। की प्रमाण है बेटा, एक जल में सब काम बीमारी सीमारी दुख सासत जादू टोना सब भाग। अच्छा। हाँ। गाय बसरू खेर डोली ये सब के कामयाब। अच्छा। कभी नहीं सुखाने कभी 12 महीने 12 महीना। अच्छा। तो दोस्तों चरण कुंड के बाद अभी अपन लोग जा रहे हैं अमृत कुंड की तरफ, चलिए वहां जाते हैं और वहां का माहौल आप सभी को बताते हैं। अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं अमृत कुंड की ओर और यहां पे देख लीजिए मस्त माहौल है। Yeah, those are the people.